टाइम काफी ज्यादा हो गया है यहाँ पर, तो सोने की तैयारी करते हैं। सड़का दे फिरे तेरी कार लभदी नी कुड़ी जड़ी से रुकते कोयला उठा कोयला गया। छह झुग्गियां ने, एक झुग्गी दे चुक तीन ने, कुछ चार ने, और मेरे पास छह बच्चे पास मेरे यतीम है जिनकी मैं परवरिश कर रहा हूँ। शाम का खाना बन रहा है तो मैं उधर जाती हूँ और उनके साथ हेल्प करवाती हूँ। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कंवल आफ्ताब। नाज़रीन, आप मेरे इर्द गिर्द कितना कूड़ा देख रहे हैं और आपको शायद ये लग रहा हो कि शायद मैं कूड़े के मैदान पर एक वीडियो बनाने आई हूँ, जो कि आप बिल्कुल गलत है। इस कूड़े में ज़िंदगी बसर करने वाले लोगों पर आज मैं वीडियो बनाऊंगी और देखूंगी कि वो अपना पूरा दिन और रात किन किन मुश्किलात से गुजरते हैं। आज हम सारा दिन इनके साथ रहेंगे और सारी रात भी इनके साथ गुजारेंगे और देखेंगे कि ये इस ज़िंदगी में, इस गंदगी में अपनी ज़िंदगी को, अपनी खूबसूरत ज़िंदगी को किस तरह गुजारते हैं। तो देर किस बात की है, चलते हैं और उनसे गुफ्तगू करते हैं और साथ ही साथ उनकी ज़िंदगी का एक दिन के लिए हिस्सा बनते हैं। नाज़रीन, हमने आपको एक मंज़र दिखा दिया पूरा, तो अब हम अंदर चलते हैं और यहाँ पे जानते हैं यहाँ पर जो रह रहे हैं कि यहाँ पर कितने लोग रहते हैं और कितनी फैमिलीज यहाँ पर रहते हैं। तो हम अंदर चलते हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा माँ जी, सब तो पहले थे तानू सब नू मैं हाल चाल थोड़ा पूछ दिया कि तो सब तो ठीक ठाक होते। हाँ जी। अच्छा कितनी देर हो गई तानू इतने? सानू होगा ना 15 का दिन आया ना। 15 दिन होए ने इतने, तो पिछो तुसी कितो आए हो? पिछो से आया कान्ने तो। कान्ने तो तुसी इतने लाहौर आए हो? हाँ जी। अम्मा जी, तुसी मैनू दसोगे कि तुसी जड़े मतलब झोंपड़ियाँ लगाईयां होईयां ने एदे च किन्ने जी रहिंदे ने और कौन कौन मतलब तुहाडे केड़े केड़े लोग रहिंदे ने? एक च 3 जी रहिंदे ने, एक च 8 जी रहिंदे ने, एक च 10 जी रहिंदे ने, एक दे विच 2-3 जी रहिंदे ने। मतलब जड़ी ए वाली झोंपड़ी है एदे च किन्ने लोग रहिंदे ने? इहदे विच रहिंदे ने 10। एदे च 10 लोग रहिंदे? हाँ जी। 10 लोग मतलब सौंदे किस तरह, कित्थे गए ने सौंदे? ਇੱਥੇ ਸੌਂਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ 4 ਪਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾਏ ਇਹਨੇ ਝੋਂਪੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਏ ਨੇ ਸਭ ਨੇ। ਸਭ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ? ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਹੁਣ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਖਾ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਖਾਣੀ, ਮਤਲਬ 2 ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ? ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਘਰ ਵਿਖਾ ਦੇ ਸਭ ਦੇ? ਦਿਖਾ ਦੇਣ। ਕੌਣ ਦਿਖਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਨਾਦੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਜੋ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਸ ਜੀ? ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ? ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਹਦਾ ਘਰ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਨਾਨਦ ਦਾ ਘਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੰਦ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਅਲੱਗ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਂਦੀ? ਜੀ, ਆਪ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕੋ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰਾ ਆਏ ਔਰ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਦਿਖਾਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੋ हमारे अपने घर जैसा सजाया होता है, जैसे हम अपने घर को सजाते हैं। यहाँ पर एक अदर चारपाई है, जो एक चारपाई के साथ साथ यहाँ पर ज़रूरियात की हर चीज़ मौजूद है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बर्तन रखे हुए हैं, यहाँ पर ही वो खाना पकाते हैं और यहाँ पर ही वो सोते हैं, और ठंड भी आप देख सकते हैं कितनी है। तो हम दूसरे घर की तरफ चलते हैं। अच्छा नादिया, आपका घर किधर है? मेरा घर वो आगे। चलो जी, हम तुम अपने घर लेके चलो।
अच्छा, साथ ही साथ ये बताती चलोगे कि इस साइड पे ये आप लोगों का किचन बना हुआ है? जी हाँ, किचन बनया इतने से खाना पकाने के बर्तन रखने हैं, अभी खाना बर्तन वगैरह भी इतने धोते हो। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी कि इन्हां दा किचन दिखाओ, जिते किचन इन्हां दा बनया है इतने वो खाना पकाते हैं, बर्तन वगैरह धो के देखो उन्होंने रखे ने। तो हूँ असं नादिया के घर जा रहे हैं और देखते हैं कि नादिया के घर की उन्होंने जरूरी आदि चीज़ रखी है। हाँ जी नादिया, किस तरफ है तुहाडा घर? मेरा घर वो है। चलो जी आ जाओ। अच्छा नादिया, आपके घर के अंदर क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं? मतलब जब आपकी शादी हुई थी तो आपकी अम्मी ने आपको क्या क्या चीज़ें दी थी? ये चारपाई, ये सब कुछ, ये संदूक, ये सब कुछ मेरे माँ। संदूक और चारपाई और वो मोटरसाइकिल भी खड़ी हुई है, वो भी आपके हस्बैंड को मिली? नहीं, वो दलीज फड़ाई दी थी मेरे सासू से। अच्छा, वो उन्होंने दी थी? हाँ मतलब जी, आपके हस्बैंड को दी थी। जी अच्छा, तो आप अपने हस्बैंड के बारे में बताएं कि वो क्या काम करते हैं? वो ये कचरा वचरा जो कचरा उठा। हाँ जी, मतलब सारे आपके फैमिली के जितने भी मर्द हैं वो कचरे का काम। हाँ जी। अच्छा, अब आप हमें उस तरफ लेके चलें और उधर बताएं कि वो किन का घर है, फिर हम वो वाले घर पे चलते हैं क्योंकि यहाँ पर बड़ी एक पौड़ियाँ बनी हुई हैं तो हम इसको चढ़ के जाएंगे, तो पहले हम इस तरफ चलते हैं। अच्छा नादिया, अब ये किन का घर है इनका बता दें? नानी का घर है। जो नानों का घर है जी। मैं कैमरामैन को कहूँगी कि अंदर आएं और ये सारा इनका व्यू दिखाएं। यहाँ पर उनकी बेटी और वो बैठे हुए हैं, हम अंदर चलते भी हैं, उनसे गुफ्तगू भी करते हैं और जानते हैं कि वो कितनी देर से यहाँ पर है और उनकी ज़िंदगी किस तरह गुजर रही है। नादिया आप यहाँ पर ही रुकिएगा, यहाँ पर नाश्ते का टाइम है और खाना पकाना चल रहा है, तो मैं वो अंकल से बात करती हूँ और उनसे जानती हूँ कि वो कब से यहाँ पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर दसो, तुम कितनी देर तो इतने गए हो? अब बेटा सानू अजे 20 दिन हो गए ने इतने आया नू, पहले असी काने सा, काने तो असी सानू चुकियां पटाइयां ते असी फिर इतने आए। मतलब कि तुहाडा कोई एक मुस्तकिल कोई मतलब कोई झुग्गी या जिथे भी तुम अपनी झोंपड़ी लगा सको, कोई जगह नहीं? कोई जगह नहीं है साडे को। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਵਾਸਤਾ ਤੋ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਠਾ ਦੇਣਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਉਠਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਜਾਓਗੇ? ਉਹ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬੇਟਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਨਵੀਂ ਤੰਦਰ ਝੁੱਗੀਆਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਰਦੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਟਾਏਗਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਉਣਾ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹਲੇ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਔਰ ਹਲੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ? ਇਸ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਹਮੇ, ਦੋ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਹਮੇ ਔਰ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਯਤੀਮ ਹੈ ਜਿੰਦਗੀ ਪਰ हम कचरा उठा। इस झोंपड़ी में इतने लोग रहते हैं? पूरी फैमिली इधर ही रहती है। आप पूरी फैमिली इधर रहती है? हाँ। किस तरह गुजारा करते हैं, आमदनी आपकी क्या है? गुजारा किस तरह करना, मिल गया तो खा लिया, ना मिला तो बैठ गया। मतलब कि आपने कभी कोई आपको दे गया हो या किसी ने खुदा तरसी कर ली हो? जो दे के जाता वो खा लेते, जो नहीं आता तो फिर गुजारा करना पड़ता है। मतलब आप लोग कूड़े का काम करते हैं बेसिकली? हाँ जी, कूड़े का काम करते हैं, कचरा उठाते हैं, बच्चों के लिए खाना बना लेते हैं। सर बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अब हम आगे की तरफ चलते हैं और आगे देखते हैं कि आगे एक झोंपड़ी और है उनके बारे में। अच्छा नादिया, ये साइड पर मेरे कैमरा मैन दिखा भी सकते हैं कि एक छोटा सा मतलब बॉक्स टाइप बनाया हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग क्या करते हैं? यहाँ दीवे बालते हैं, ये ना हम लोग इन लोगों को मानते हैं ना दरबार शर्माना को, तो यहाँ पे दीवे बाल पर आप दीवा जला। हाँ जी। अच्छा हम आगे चलते हैं और आगे एक और झोंपड़ी है, तो उस तरफ चलते हैं और वो पूछते हैं कि नादिया ये जो अगली झोंपड़ी जहाँ पे हम जा रहे हैं ये किसकी झोंपड़ी है? ये मेरे नानी की झोंपड़ी है। नाना जी यहाँ पे नाना अबू सिर्फ रहते हैं? जी। अपने कैमरामैन को कहूँगी कि ये झोंपड़ी के अंदर से दिखाएं कि यहाँ पर इनके नाना वो रहते हैं और यहाँ पर एक अदर चारपाई है और एक दो वो भी इतने गर्म बिस्तर भी नहीं है कि जितनी ठंड है। अच्छा नादिया, वो एक और ऊपर भी झोंपड़ी, आप उसके बारे में बताओ कि वो किसकी झोंपड़ी है? वो मेरे मामू की झोंपड़ी। वो आपके मामू की झोंपड़ी और वहाँ पर कितने लोग रहते हैं? वहाँ पर तीन लोग रहते हैं। वहाँ पर तीन लोग रहते हैं। चले हम उधर चलते हैं और उधर देखते हैं। ये इन्होंने पौड़ियाँ बनाई हुई हैं, सीढ़ियाँ बनाई हुई। जी तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं और नादिया ने जैसा कि बताया कि इनके मामू की यहाँ पे झोंपड़ी है, तो वहाँ पे जाएंगे और आपको वो दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या क्या ज़रूरत की चीज़ें हैं। और यहाँ पर नाज़रीन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर
ए टू जी आप देख सकते हैं कि जिस तरह हम कोशिश करते हैं अपने घरों को सजाने के लिए, कैलीन बिछा हुआ है यहाँ पर, एक चारपाई है जहाँ पर वो तीन लोग सोते हैं, गरम रजाई है, गरम बिस्तर है और कुछ ज़रूरत की चीज़ें। तो हम नादिया से बात करते हैं। अच्छा नादिया, मुझे ये बताओ कि आप लोग अगर वॉशरूम वगैरह जाना हो तो आप कहाँ पर जाते हैं? हमारा वॉशरूम नहीं, हम खुले में ये करके रहते हैं, खुले में करके। हाँ जी। पर इतनी रात गए यहाँ पर, आपको पता कितना गंद है, गंद में आप रहने के आदि तो है लेकिन कितना गंद है और किस तरह के कीड़े मकोड़े निकल आते हैं, तो कभी आपको डर नहीं लगा उस चीज़ से? डर तो लगता है, बस ये ऐसे गुजारा कर लेते हैं, अभी जिंदगी जो गुजारनी है तो फिर गुजारा तो करना ही पड़ता है। नाज़रीन, आपने देखा कि मैंने उनसे पूछा कि वॉशरूम जो कि एक बुनियादी ज़रूरत है वो आप किधर जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम खुले आसमान के नीचे वॉशरूम में जाते हैं। और अब तो सुबह का टाइम है, और मुझे रात का बताएं कि जब रात हो जाती है तो तब आप किस तरह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइट का कोई सीन नहीं है, तो आप किस तरह फिर? होता है तो चले जाते हैं, जो मोबाइल नहीं होता, लाइट जो होती है वो लाइटर वाली वो ले जाते हैं, कोई भी ऐसी लाइट लग जाए तो रख लेने अभी गुजारा करने वास्ते। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, मैंने इनका सुबह सुबह काफ़ी वक्त ले लिया क्योंकि यहाँ पर अभी 7 बज रहे हैं और इनके नाश्ते का टाइम है, तो हम इनके लिए नाश्ता लेके आए थे उर्दू पॉइंट की टीम की तरफ से। तो आइए हम नाश्ता करते हैं और गपशप लगाते हैं और फिर हम आगे अपना काम स्टार्ट करते हैं। आज सर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬੇਟਾ ਇਸ ਕੀ ਸ਼ਾਰਟੀ ਕਰਤੇ ਲੈਦਾ ਲੈਦਾ ਕਰਤੇ ਲੈਦਾ ਲੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸਕੋ ਵੇਚेंगे। ਅੱਛਾ ਲੈਦਾ ਲੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਹਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚेंगे ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਬਾੜ ਵਾਲਾ ਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਲੈਦਾ ਲੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਟਮਾ ਬਣਾਏਗੇ, ਆਟਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚेंगे। ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਟਮ ਬਣਾਤੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸਕਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ रेट लगता है। अगर ऐसे मिक्स देंगे तो इसका रेट कोई भी नहीं देगा। शीशे का, गत्ते का, प्लास्टिक का, हर चीज का रेट अलग। हाँ लादा लादा रेट। किस हिसाब से रेट लगता है, मतलब क्या हिसाब होता है इसका? बेटा को 5 रुपए वाली आइटम है, को 3 रुपए वाली आइटम है, को 2 रुपए वाली आइटम है। 3 रुपए किलो? हाँ मतलब ये शीशा जो है 3 रुपए किलो जाता है। 3 रुपए? हाँ जो बोतल है ये 40 रुपए जाती है। बोतल जो प्लास्टिक की बोतल होती है ये छोटे वाला 40 रुपए जाता है और ये प्लास्टिक जो है 20 रुपए जा रहा है। ये 20 रुपए जा रहा है। हाँ। अच्छा वैसे मतलब मेरी अम्मा मुझे बताती होती थी कि पहले ज़माने में ना मतलब कूड़े में से काफ़ी ऐसी चीज़ें मिलती थी, सोने की चीज़ें मिलती थी, तो आपकी ज़िंदगी में अभी तक कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो कि आपको? बेटा ऐसा कोई भी कीमती चीज़ मिली? कोई चीज़ ऐसी नहीं मिली। कोई चीज़? ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली। फिर के लोग से आने हो गए हैं कि वो अपनी चीज़ें देख के? लोगों के पास अब पैसा है, किधर किधर घूम रहे हैं, किधर किधर नहीं घूम। हमारा तो काम ये है कि हम इसको शांति करेंगे, पैसा देखेंगे। वैसे आपका ये काम है और जो इंसान वो काम करता है, मेहनत से रोज़ी कमाता है, वो फ़क्र महसूस करता है, तो कभी ऐसा वक्त आया हो कि आपको घिन आई हो, या कभी ऐसा वक्त आया हो कि लोगों ने आपको इतना चिढ़ाया हो कि आप आवाज़ार हो गए हो इस काम से? वो लोग तो जब एलडी वाले आते हैं तो वही आवाज़ार करते हैं, और तो हमें कोई किसी की टेंशन नहीं है। और किसी की टेंशन? हाँ ये एलडी वाले आते हैं, ये हमारे को तंग करते हैं। जब का इमरान खान आया है इसने हमारे को बहुत जलालत में डाला है। जितनी दफ़ा इधर आए हैं हमारा कुछ भी, इसने बोला था कि हम नया पाकिस्तान लाएंगे। क्या किधर लाया नया पाकिस्तान? ये गरीबों के ऊपर नया पाकिस्तान आया है जलालत देने के लिए। अच्छा मुझे आखिरी बस बात बताएँ कि दिन में आपका कितने का ये सौदा बिक जाता है? ये बेटा दिन में पूरा दिन काम करते हैं ना तो 500-600 रुपया जो मजदूरी हमारा बनता है, इसमें हमारा अल्लाह का शुक्र है गुजारा चलता है। अल्लाह का शुक्र गुजारा हो जाता है। हाँ गुजारा का 500-600 का माल लेते हैं और उससे आपका सारा मतलब घर का गुजारा हो, घर का खर्चा निकाल लेते हैं।
ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہم نے صبح کا ناشتہ کیا اور گپ شپ بھی لگائی, کافی ہم نے باتیں بھی کی. تو اب جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پیچھے شام ہوتی جا رہی ہے اور دن ڈھل گیا ہے, سورج ڈھل گیا ہے. تو میں ماجی کے پاس بیٹھی ہوئی ہوں, تو ان سے ان کی روٹین کے بارے میں تو میں جان نہیں رہی ہوں, ساتھ ساتھ کچھ گفتگو بھی کریں گے اور کچھ گفتگو کے بارے میں بھی ان سے جانیں گے کہ ان کی زندگی کس طرح بسر ہو رہی ہے, ان کی شادی کو کتنی دیر ہوگی, کیونکہ آج میں ان کے ساتھ گپ شپ لگانے ہوں اور ان کی مہمان ہوں. تو شادی کے بعد ان سے یہ بھی پوچھوں گی کہ آپ آج میرے لیے کھانے میں کیا بنا رہی ہے, کیا اسپیشل بنا رہی ہے, میرا بستر کہاں پر ہے اور میرے لیے کیا پکائیں گی, مجھے کس طرح سرو کریں گی. تو میں ان سے بات کرتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا تو احمد دسنا کتنی دیر ہو گئی ہے تیرے بیان ہو؟ میری شادی نہ ہوگی تو 35 سال. 35 سال ہو گئے. اچھا شادی بھی تاری مطلب ایسے طرح کی صحیح مہندی برات کریما وہ ہویا کہ پروپر بس نکاح ہویا تے بس نکاح ہویا مطلب رشتہ کتھوں آیا سی تہاڈا اپنے دا سی رشتہ؟ ہاں جی میری پھوپھو لے آئے. پھوپھو آیا. بچے کتنے نے تہاڈے؟ میرے بچے نے 4 بیٹیاں 2 بیٹے ہیں. 4 بیٹیاں 2 بیٹے ماشاء اللہ. اور کام کون کون پڑھتا؟ کون کون ہی کا؟ کوئی بھی نہیں پڑھتا. کوئی بھی نہیں پڑھتا. کماندا کون کا؟ میرا بیٹا. بس ایک بیٹا؟ ہاں جی ایک بیٹا کما رہے ہیں. اور 7-8 کھان والے نے؟ ہاں 7-8 کھان والے نے. 7-8 کھان والے نے. اچھا مینوں یہ دسو کہ اگر تسی اپنے بچیاں دی شادی کرنی ہے تو انہاں دی شادی کتھے تسی کرو گے, کی ویکھ کے کر دیو؟ کیونکہ ساڈے وچ اے ہوندا ہے کہ منڈا کماندا ہوے, اپنا کاروبار ہوے, گڈی ہوے, کار ہوے, اپنی گل دس رہی ہاں. تے تسی کی دیکھ دیو منڈے چ کی خاصیت ہونی چاہیے جو تسی اپنی بیٹی دی شادی کرو گے؟ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਕਮਾਈਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਅੱਛਾ ਖਾਏ, ਅੱਛਾ ਪੀਏ, ਅੱਛਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਏ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਕੁਛ ਵੇਖਦੇ. ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਹੇ ਇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੈਂਟ 'ਚ ਔਰ ਉਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ? ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ. ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹੀ? ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਕੰਮ. ਇਹੀ ਕੰਮ? ਹਾਂਜੀ. ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਦੇਖੇਂਗੇ ਮਤਲਬ ਸਰਦੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਔਰ ਮੈਂ ਅਭੀ ਵੀ ਆਗ ਕੇ ਪਾਸ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਇੱਕ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਪਰ ਸੁਬਹਾ ਸੇ ਹੂੰ ਔਰ ਮੈਨੇ ਇਨ ਲੋਗੋ ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਇਨ ਲੋਗੋ ਕੋ ਦੇਖਾ ਹੈ, ਯੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਤੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਤੇ ਹੈ, ਇਨਕਾ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ. ਔਰ ਮੈਨੇ ਮਾਜੀ ਸੇ ਬਾਤ ਕੀ ਔਰ ਉਨਸੇ ਜਾਨਾ ਕਿ ਉਨਕੇ 6 ਬੱਚੇ ਹੈ ਔਰ 6 ਬੱਚੋਂ ਕੀ ਅਭੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਬੱਚੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਉਨਕੋ ਮੈਨੇ ਜਾਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਾਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੋਤੀ ਹੈ کہ وہ ہماری کہیں اچھی شادی کریں, کہیں اچھا ہماری بارات آئے, ولیمہ آئے, تو اس طرح ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے. تو تھوڑی کدی خواہش نہیں ہے کہ تاری کسی تیرا چنگے کرو رشتہ آئے, تسی انہوں خوش ویکھو, گڈی یا موٹر سائیکل تے آئے تاڑے کول؟ نہیں جی. مطلب خواہش نہ رکھن دے کی مقصد ہے گا؟ ساڈی ایہو ہی خواہش ہے جو میں تان دس دتا ہے کوئی بس کھان پینے مل یار بلادری چ نہیں دیندا, اپنی بلادری چ دیندے. ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਜੋਈਏ. ਜੋਈਏ? ਹਾਂ. ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਅਬ ਦੁਪਹਿਰ ਕਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਮ ਕਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਕਾ ਖਾਣਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤੋ ਮੈਂ ਉਧਰ ਜਾਤੀ ਹੂੰ ਔਰ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਹੈਲਪ ਕਰਵਾਤੀ ਹੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਬਹ ਸੇ ਮੈਂ ਇਨ ਲੋਗੋ ਕਾ ਬਹੁਤ ਦਿਮਾਗ ਖਾ ਰਹੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੂੰ ਉਨਕੇ ਸਾਥ, ਤੋ ਮੈਂ ਚਲਤੀ ਹੂੰ ਔਰ ਹਾਥ ਬਟਾਤੀ ਹੂੰ ਲੜਕੀਓ ਕੇ ਸਾਥ ਔਰ ਸਾਥ ਹੀ ਸਾਥ ਹਮ ਕੁਛ ਗੁਫਤਗੂ ਵੀ ਕਰੇਂਗੇ ਔਰ ਸਾਥ ਹੀ ਸਾਥ ਹਮ ਬਾਤ ਵੀ ਕਰੇਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਯਹਾਂ ਪਰ ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਆਜ ਜੋ ਖਾਣਾ ਬਣਨੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਜ ਕਿਆ ਪਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪ? ਗੋਭੀ. ਗੋਭੀ? ਚਲੇ ਆਜ ਮੈਂ ਇਨਕੇ ਸਾਥ ਗੋਭੀ ਪਕਾਉਂਗੀ ਔਰ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕੀ ਗੋਭੀ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਗੋਭੀ ਮੈਂ ਕਿਆ ਫਰਕ ਹੋਤਾ ਹੈ. ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਯੇ ਮੁਝੇ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਥ ਮੈਂ, ਤੋ ਮੈਂ ਇਸਕੋ ਉਤਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਕਾਮ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੂੰ. ਬੜੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ,
ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਨਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਕਿ ਆਂਟੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਫੈਮਲੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਅਸਲ ਵੀ ਘਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਣੀ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਸਾਲਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਜੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਸਾਲਨ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਜਾ ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਹਾਂ ਚਲੋ ਸਟਾਪੂ ਖੇਲਦੇ ਹਾਂ ਆ ਜਾਓ ਸਟਾਪੂ ਖੇਲ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਜਾਣਨੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਲੋ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋ ਨਾਦੀਆਂ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਨਾਜ਼ਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਗਾਓ ਮੈਂ ਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਸਮੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਮੈਂ ਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਉਡਾ ਲੈ ਹੱਥ ਉਡਾ ਲੈ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਗਾਣਾ ਛੱਡ ਦੇ ਉੱਧਰ ਚੱਲ ਚੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਫਿਰੇ ਤੇਰੀ ਕਾਰ ਲੱਭਦੀ ਨੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਰ ਮੁੱਕਦੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜੱਟਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਲੈ ਜਾ ਲੱਭ ਜਾ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਾਨਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਬੇਵਫਾ ਤੂੰ ਬੇਵਫਾ ਤੂੰ ਬੇਵਫਾ ਦਿਲ ਤੋੜਿਆ ਤੂੰ ਮੁੱਖ ਮੋੜਿਆ ਤੂੰ ਦਿਲ ਤੋੜਿਆ ਤੂੰ ਮੁੱਖ ਮੋੜਿਆ ਤੂੰ ਖੁਦ ਗਰਜ਼ਿਆ ਤੂੰ ਬੇਦਰਦ ਖਰੇ ਤਾਇਆ ਤੂੰ ਬੇਵਫਾ ਬੇਵਫਾ ਤੂੰ ਬੇਵਫਾ ਤੂੰ ਡੋਲੀ ਯਸੂ ਹਾਂ ਪੰਜੂ ਹਾਰ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਆ ਫਿਰ ਕਬੂਤਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਰ ਹਾਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹਾਰ ਦੂਸਰੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲੀ 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 ਕਬੂਤਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਯਸੂ ਪੰਜੂ ਹਾਰ ਕਬੂਤਰ ਡੋਲੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਯਸੂ ਪੰਜੂ ਹਾਰ ਕਬੂਤਰ ਡੋਲੀ ਯਸੂ ਪੰਜੂ ਹਾਰ ਕਬੂਤਰ ਡੋਲੀ ਯਸੂ ਪੰਜੂ ਹਾਰ ਕਬੂਤਰ ਡੋਲੀ ਯਸੂ ਪੰਜੂ ਹਾਰ ਕਬੂਤਰ ਗਿਆ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਬੂਤਰ ਗਿਆ ਚਲੋ ਦੁਬਾਰਾ ਯਸੂ ਪੰਜੂ ਗਿਆ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਗਈ ਡੋਲੀ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਚਿੜੀ ਉੱਡੀ 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 ਕਾਸੇ ਟਾਈਮ ਉਡਾਣੇ ਬੱਕਰੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਤੈ ਚੱਲ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟ ਪਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਈਓ ਥੱਲੇ ਕੋਇਲਾ ਬੋਲਿਆ ਆਈਓ ਸਾਰੇ ਚਪੇੜਾ ਖਾਓ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਿਦਾ ਹੱਥ ਸੜੀਆਂ ਦਾ
नाजरीन आपने देखा कि आज हमने सारा दिन इनके साथ गुजारा, हमने ब्रेकफास्ट भी किया, लंच भी किया और इनसे गपशप भी लगाई और अभी भी हम बैठे हुए थे और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि मौसम भी दिसंबर का महीना चल रहा है और काफ़ी ठंड भी पड़ रही है यहाँ पर और इनसे हमने जाना कि इनकी ज़िंदगी में इनके एक दिन में, क्योंकि मैं एक दिन इनके साथ रही हूँ और एक रात रही हूँ और मुझे पता है कि यहाँ पर क्या क्या मुश्किल पेश आती हैं। तो अभी हम यहाँ पर 1 बजे का टाइम हो गया और हमने गेम्स भी खेली हैं और हमने आपके सामने काफ़ी गपशप भी लगाई है और अब हम सोने की तरफ जा रहे हैं और बिस्तर हम करेंगे वहाँ पे सोएंगे। तो जाने से पहले और सोने से पहले मैं आपको यही बात बताऊंगी कि अगर हम एक जब हम चार दीवारी पे सोते हैं तो हमें क्या फ़र्क महसूस होता है और चार दीवारी का ये खुला आसमान है, क्या आप देख रहे हैं कि खुला आसमान है, ना इस तरफ आपकी कोई दीवार है ना इस तरफ दीवार है। तो आज मैं मेरा इनके साथ रहने का और इनके साथ बात करने का, इनके साथ खाने पीने का और सोने का मकसद यही था कि मैं इनकी ज़िंदगी को, इनकी ज़िंदगी का जो एक हिस्सा, चाहे एक हिस्सा भी कहना बहुत बड़ी चीज़ होगी, जो एक नुक्ता, एक ज़िंदगी का एक नुक्ता है वो कितना मुश्किल है, तो आज हमने आपको ये दिखाया। नाजरीन बिस्तर मेरा तैयार हो गया सोने के लिए, तो क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है यहाँ पर तो सोने की तैयारी करते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको जो आज की मैंने एक आपके लिए एक मैं वीडियो लेके आई थी, एक डॉक्यूमेंट्री लेके आई थी, उन पर आपको वो पसंद आई होगी। तो चलते हैं सोने की तरफ। कमल उठो, 3 बज गए। कमल नाजरीन आप देख रहे हैं कि रात के 3 बज चुके हैं और मेरे कैमरामैन ने मुझे अभी भी काम के लिए उठा लिया, तो मैं अपने कैमरामैन को कहूँगी कि आप मेरे इर्द गिर्द देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कहीं पे भी आपको दूर तक ना कोई बंदा और ना ही किसी बंदे की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है और अंधेरा है, हर जगह हर चीज़ अपनी जगह उसी तरह वहाँ पर ही पड़ी हुई है। ये जो चीज़ें यहाँ पर मेरे इर्द गिर्द बिखरी हुई हैं, ये इनका कारोबार और इनकी रोज़ी का एक ज़रिया है जहाँ से वो अपने बच्चों का पेट पालते हैं। ये वो दिन भर इकट्ठा करके लाते हैं और इकट्ठा करके एक दिन में जो इन्होंने खाना पकाना होता है उसके लिए एक पैसे इकट्ठे करते हैं। और साथ ही साथ हम चलेंगे आगे की तरफ और आगे भी दिखाएंगे आपको कि आगे इधर कौन कौन रहता है और यहाँ पर कितने लोग हैं। हम चलते हैं, हम अपने अगर इस तरफ दिखाएँ तो यहाँ पर भी एक उनका एक बेडरूम, जो उनकी ज़ुबानी है कि ये बेडरूम है और उसका वो दरवाज़ा बंद कर चुके हैं और इसके इर्द गिर्द आप देखें कि हमारे उल्टे हाथ ट्रैफिक चल रही है, सामने बिल्डिंग्स हैं, लाइटें चल रही हैं और यहाँ पर ना लाइट है और ना ही लाइट का कोई इंतज़ाम और ना ही कुछ और। ये इन्होंने अपना एक पौड़ियाँ बनाई हुई हैं, आपने देखा कि यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, प्रॉपर उन्होंने अपना इसको घर का नाम दिया हुआ है। और अब हम चलते हैं जो बुनियादी ज़रूरियात है हमारी एक दिन की। तो हमने जब इनसे पूछा कि आप सारे दिन के बाद अगर आपने नहाना धोना हो तो आप किधर जाते हैं, तो उन्होंने ये बताया है कि हमने एक वॉशरूम बनाया हुआ है जहाँ पे उन्होंने पानी इकट्ठा करके लाते हैं और यहाँ पर आके नहाते हैं। तो अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पर एक ना इसके ऊपर छत है, खुले आसमान के नीचे वो नहाते हैं और इस कदर ठंड में। नाज़रीन इस जदीद दौर में आज भी काफ़ी लोग खुले आसमान के नीचे इस तरह खुले, जहाँ पर कोई सफाई का इंतज़ाम नहीं है, जहाँ पर हर चीज़ आपके सामने नज़र आ रही है, यहाँ पर अपनी ज़िंदगी किस तरह बसर कर रहे हो और साथ ही साथ अपनी बुनियादी ज़िंदगी, अपनी बुनियादी ज़रूरियात को किस तरह यहाँ पर सर अंजाम दे रहे हैं, तो ये सब कुछ आपके सामने ही है। नाज़रीन अगर मैं आपको ये कहूँ कि यहाँ पर दो ज़िंदगियाँ और दो कहानियां हैं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर
किस तरह सन्नाटा फिरा हुआ है और आप दूसरी जगह दे सकते हैं कि वहाँ पर बिल्डिंग्स हैं और वहाँ पर लोग किस तरह ऐशो आराम की नींद सो रहे हैं। तो ये दो जिंदगियों में जो फ़र्क है वो बहुत ही बड़ा फ़र्क है। तो उम्मीद करती हूँ जो आपको मेरी आज की जो मैंने कोशिश की है और इनके साथ जिस तरह मैंने टाइम स्पेंड किया और जिस तरह मैंने इनकी मुस्कुराहट चेहरे पे देखी है वो बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए उर्दू पॉइंट के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए अपनी मेज़बान कंवल आफ्ताब को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।